हेलो बच्चों, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बबल सॉर्ट के बारे में। सो देखते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। सो बबल सॉर्ट, सो बेसिकली बबल सॉर्ट क्या होता है, एक सॉर्टिंग टेक्निक होती है। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ये सॉर्टिंग टेक्निक या फिर सॉर्टिंग करना होता क्या है। तो देखो, जैसे कि मान लो आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, एंड ये सारे नंबर्स अनअरेंज्ड हैं, मतलब आगे पीछे कहीं भी ऐसे रख दिए गए, और तुमसे कहा गया कि इन नंबर्स को ना एक ऑर्डर में अरेंज कर दो, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दो। तो वही जो अरेंज करने का प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, टू सॉर्ट या फिर सॉर्टिंग। सो बबल सॉर्ट क्या है, उसी चीज़ को सॉर्ट करने का एक तरीका है, एक टेक्निक है, उसी का नाम है बबल सॉर्ट। तो अब इस तरीके में हम करते क्या है, चलो इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास नंबर्स हैं, एक हम एरे ले लेते हैं, एरे का ही टॉपिक है, तो एरे की हेल्प से ही समझते हैं इसको। मान लो एक मेरे पास एरे है, लाइक 5, 3, 2, 4, 1, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एरे है। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉर्ट करेंगे। तो देखो, यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक हम इसको सॉर्ट इस तरह करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस पूरे एरे में ऐसे ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है, और हम ये देखते चलते हैं क्या इसका हर एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा तो नहीं है। अगर ये वाला एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। सो सोच के देखो, सबसे पहले जब सबसे पहली बार हम यहाँ पे ट्रैवलिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे 5 ये तो 3 से बड़ा है, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज। तो यहाँ से ये इंटरचेंज हो गया, मैंने यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। इसके बाद अब हम आएंगे यहाँ पे, यहाँ है 5, यहाँ है 2, क्या होगा, ये बड़ा है इससे, फिर से इंटरचेंज होंगे दोनों, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये भी हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस 5 को इससे कंपेयर करेंगे, सो 5 अगेन इससे बड़ा है, तो ये भी स्वैप होंगे, क्या होगा, ये भी यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। लास्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 5 अगेन ये 1 से बड़ा है, तो इन दोनों को भी स्वैप कर देंगे, क्या होगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे। सो अब देखो, ये जो बार बार हमने चेक करा और स्वैपिंग करा, इसको करने से हुआ क्या कि जब पहला इटरेशन खत्म हुआ तो जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हैं, तो जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो खिसक के कहाँ पे आ गया, सबसे लास्ट में आ गया। इसी को हम कहते हैं बबल सॉर्ट। अब यही काम हम बार बार करेंगे। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को ढकेल के सबसे आगे कर दिया। ऐसा क्यों, देखो ऐसा कैसे है, देखो जैसे मान लो पानी है, अब आप पानी के नीचे मान लो यहाँ पे हमने एक इंजेक्शन रखा, ठीक है, इंजेक्शन रखा, सही से ड्रॉइंग नहीं बनी है, मान लो इंजेक्शन है, और इंजेक्शन को हमने ऐसे पुश करा तो क्या होगा, यहाँ से एयर बबल निकलेंगे। अब सोच के देखो, ये एयर बबल कहाँ जाएगा, ये सीधे फ्लोट करते करते कहाँ आएगा, टॉप पे। सो यहाँ भी जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बबल आउट होके कहाँ पे आ रहा है, एकदम लास्ट में। तो प्रोसेस समझे, हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट को बबल आउट कर दिया लास्ट में। अब यही चीज सोच के देखो दोबारा करनी है, यही चीज सोच के देखो हमें दोबारा करनी है। तो एलिमेंट्स इस बार हमारे पास क्या होंगे, 3, 2, 4, 1 एंड 5 लास्ट में। सो क्या इस बार हमें इसको सॉर्ट करने की जरूरत है, इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है 5, ठीक। सो अब हम सॉर्टिंग करेंगे कहाँ तक, सिर्फ यहां से लेके यहां तक। अगेन स्टार्ट करते हैं। सो यहां से देखो, क्या ये एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है, ऑब्वियसली है, तो हमें इन दोनों को क्या करना होगा, स्वैप। तो इन दोनों को यहां से हटाओ, 2 को यहां ले आओ, 3 को यहां ले आओ, तो 2 यहां आए, 3 यहां आ गया, ठीक है, 2 यहां पे आ गया पहले और 3 यहां पे। देन अगेन इसको इससे कंपेयर करो, क्या ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से बड़ा है, नहीं है, तो यहां कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर आगे आओ, इसको चेक करो, क्या ये अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है, है, तो यहां स्वैपिंग होगी। स्वैप करा, क्या होगा, 1 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, और ये दोनों अपनी जगह से हट जाएंगे। सो अभी सेकंड वाला टर्न करने के बाद क्या हुआ, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ गया। सो फाइनली हमारा जो एरे है वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा कुछ ऐसा, देख लो, यहां पे आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 4 एंड यहां आ जाएगा 5। तो देखो, दो इटरेशंस के बाद में हमारा एरे कुछ इतना सॉर्ट हो चुका है, मतलब लास्ट के दो एलिमेंट अपनी जगह पे आ गए।
अभी हमें कहां तक सॉर्ट करना है, सिर्फ यहां तक, ठीक, क्लियर। अभी चलो फिर से स्ट्रैटेजी चलते हैं, क्या ये वाला एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है, नहीं, तो कोई सॉल्विंग नहीं होगी यहाँ पे। देन क्या ये वाला एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है, है, तो यहाँ पे इन दोनों को स्वैप करेंगे, इनको अपनी जगह से हटाएंगे, मतलब इंटरचेंज, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3। सो फोर्थ टाइम, जब हम मतलब थर्ड टाइम के बाद में हमारा एरे कैसा बन चुका होगा, कुछ ऐसा देख लो, ये 2 है, यहाँ 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। सो अभी लास्ट के 3 एलिमेंट हमारे स्वैप हो चुके हैं। अब फिर से देखते हैं, अभी हम यहाँ पे लास्ट के 2 एलिमेंट हमारे बचे, तो फिर से यहाँ से चलते हैं, ये वाला एलिमेंट देखो क्या अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है, है, तो यहाँ पे अगेन स्वैपिंग होगी, क्या होगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, सो ये 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और ये दोनों अपनी जगह से हट जाएंगे। स्वैपिंग का मतलब बेसिकली बस इंटरचेंज होता है। तो देख लो इतना करने के बाद में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स हमारे कैसे आ गए, कुछ ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो क्या पांचों एलिमेंट सॉर्ट हो गए। सो जब हमारे पास 5 साइज का एरे था, इस एरे का साइज 5 था, 5 एलिमेंट्स थे, तो कितने स्टेप लगे, हमें लगे 4 स्टेप्स टू सॉर्ट द होल एरे, मतलब मेन लूप आपका 4 बार चलेगा, उसके अंदर ये स्वैपिंग वाला तो काम हो गई होगा, लेकिन मेन आपका 4 इटरेशंस में ये काम हो जाएगा। दैट मींस अगर हमारा n साइज का एरे है तो हमें कितने स्टेप्स लगेंगे, वी विल सॉर्ट द एरे इन n माइनस 1 स्टेप्स, तो n माइनस 1 स्टेप्स में हम पूरा एरे सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था टेक्निक की, होता क्या है एक्चुअल में बबल सॉर्ट के अंदर, हम बारी बारी से चलते हैं। हर बार में हमें क्या करना होता है, पूरा एरे ट्रैवर्स करना होता है, और हम चेक करते हैं क्या हमारा करंट एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से बड़ा तो नहीं है, अगर है तो हम उसको स्वैप कर देते हैं, एंड ये पूरा एंड तक हम करते हैं। तो होता क्या है, हर इटरेशन के बाद में जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो मूव होके लास्ट में आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बबल सॉर्ट, बिकॉज लार्जेस्ट एलिमेंट आपका जो भी होता है वो बबल आउट होके एंड पे पहुंच जाता है। सो दैट्स द होल प्रोसेस, एंड इसका जो प्रोग्राम है वो मैंने एक दूसरे वीडियो में किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया होगा, एंड इसका कोड आप जाके इस वाले वीडियो में देख सकते हो।